नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल कितने डिजिट्स आगे जाएगा 3 डिजिट्स। हम अगर इसे सॉल्व करना चाहें 79/10 मल्टीप्लाई 1/1000 सो 79/4 0s 1, 2, 3 and 4 0.0079। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड पार्ट 26.3 डिवाइडेड बाय 10 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नंबर ऑफ जीरोस हो गई डिनोमिनेटर में 4 सो 263 0.0263। अगर हम सीधा डेसिमल अप्लाई करें तब भी कर सकते हैं, 3 डिजिट्स और आगे डेसिमल जाएगा 3853। डेसिमल था यहाँ पे, 3 डिजिट और जाएगा 1, 2 and 3 सो आएगा 0.03853। सिमिलरली इसमें 1, 2, 8, 9 9 से पहले डेसिमल है, 3 डिजिट्स और आगे जाएगा 1, 2 and 3 सो 0.1289 0.5 डेसिमल 3 डिजिट्स और आगे जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे है 1, 2 और 3 डिजिट और आगे गया 0.3 times 0.5। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं फाइंड 7 divided by 3.5 7 एज इट इज 3.5 डेसिमल है तो 35/10 डेसिमल के बाद एक डिजिट है सो 35/10। अगर हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो रेसिप्रोकल लेते हैं 35/10 का रेसिप्रोकल, जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिरेटर में चली जाएगी और जो न्यूमिरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। नाउ 7 5s are 35 5 1s are 5 5 2s are 10 या हम इसे पहले लिख सकते हैं 10/5 अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो तो 5 now 5 1s are 5 5 2s are 10 तो आंसर हमारे पास आएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट इज 36 divided by 0.2 मीन्स 2/10 डिवाइड की जगह के पे मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो गया 10/2 2 1s are 2 2 1s are 2 2 8s are 16 सो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180। नेक्स्ट इज 3.25 डेसिमल के बाद 2 डिजिट सो अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 0.5 मींस 5/10 325/100 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इसका रेसिप्रोकल होगा 10/5 5 1s are 5 5 6s are 30 25 5 5s are 25 10 into 10 is 100 सो 65/10 अपॉन में 10 है तो डेसिमल पीछे से एक डिजिट काउंट करेंगे 6.5। नेक्स्ट इज 30.94 डेसिमल के बाद 2 डिजिट सो अपॉन में 100 0.7 सो 7/10 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे 10/7 10 into 1 10 10s are 100 7 into 1 7 4s are 28 2 29 7 4s are 28 1 बचा 14 7 2s are 14 सो 442/10 पीछे से एक डिजिट काउंट करेंगे सो 44.2। क्लियर है कैसे किया हमने। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 1000 से डिवाइड था तो डेसिमल जस्ट प्लेस पे भी है, उससे 3 प्लेसेस और आगे चला जाएगा तो जैसे यहाँ पे है 3 प्लेसेस और आगे काउंट करेंगे डेसिमल आगे आ जाएगा। फाइंड 7 divided by 3.5 3.5 डेसिमल से हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 35/10 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इस टर्म का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मीन्स टर्म जो है रिवर्स हो जाएगी, जो टर्म न्यूमिरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगी और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिरेटर में चली जाएगी।
7 5s are 35, 10 upon 5, 5 into 2, 10. 36 divided by 0.2, that is 2 upon 10. Reciprocal liya, multiply ka sign lagayenge, 10 upon 2, 2, 18 are 36, 18 into 10, 180. 3.25, decimal ke baad 2 digits, so upon mein 100, 0.5, 5 upon 10, reciprocal liya, 10 upon 5, 10 tens are 100, 5 into 65. अगर आप चाहो तो 325 को 5 से डिवाइड करके भी देख सकते हो. 5 6 आर 30, 2 बचा, 5 उतारेंगे, 25, 5 5 आर 25, 65 अपॉन 10, सो 6.5, 30.94, सो 3094 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 10, रेसिप्रोकल या 7 से कट किया, 44.2, नोट कीजिए इसे.